गुड इवनिंग फ्रेंड्स, और आज जो ब्लॉग में लेकर आई हूँ वो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। तो यहाँ हमने अपनी जर्नी जो है वो स्टार्ट कर लिया है, और आप लोग मुझे फॉलो करते रहिए और मेरे चैनल बी विद मून को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। और चलिए शुरू करती हूँ मैं आज के ब्लॉग को। Staring at herself in the mirror on the restroom door. Voices in her head that mirror what she's heard before. All the things they said to hold her back, they never seem to leave her head and tend to keep her mind at war. All the things they said to hold her back, they keep her locked inside of all the times when she's been hurt before. ओम गण गणपतये नमः। और ये स्टैचू है गणेश जी का, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है इस वेडिंग में। और ये है चारों तरफ बिल्डिंग का डेकोरेशन। तो डेकोरेशंस और लाइटिंग्स मैं आप लोगों को बाद में ज़रूर दिखाती हूँ, उससे पहले मैं कर लेती हूँ अपने फेस में थोड़ी बहुत टचअप, क्योंकि हमने जो है बहुत देर पहले अपना जर्नी शुरू किया था। बहुत ही दूर से हम यहाँ आए हैं पार्टी अटेंड करने। तो चलिए, तो सबसे पहले यहाँ है तंदूर चाय की स्टॉल। ये तंदूर चाय बहुत ही टेस्टी बना था, और फिर देखते हैं आगे क्या क्या है। इवनिंग स्नैक्स लेने के बाद मैं यहाँ आई हूँ आप लोगों को फुल बिल्डिंग और चारों तरफ का डेकोरेशन दिखाने। सो आज की जो वेडिंग है वो बहुत ही बिग फैट वेडिंग है, और ये एक बहुत ही बढ़िया रिजॉर्ट में ऑर्गेनाइज किया गया है। तो चलिए जल्दी जल्दी मैं अपनी हस्बैंड और सासू माँ के कुछ ग्लिम्सेस ले लेती हूँ। यहाँ घूमते घूमते मुझे बहुत ही बढ़िया एक स्विमिंग पूल दिखा, जो कि इस रिजॉर्ट में ही है, और आप लोग भी इसका पूरा व्यू लीजिए मज़े से। ये है विवाह स्थल जहाँ पे आज रात की वेडिंग होने वाली है, और इसको बांग्ला में बोलते हैं छातना तोला। और ये बिल्कुल डेकोरेशन किया गया है विष्णुपुर
टेराकोटा की जो स्टैचूज़ है यहाँ पे लगाई हुई है, जो कि बहुत ही खूबसूरत बनाता है इस जगह को। तो अभी घड़ी में लगभग रात के 9 बज रहे हैं और हम यहाँ पे आ गए हैं रात का डिनर करने। और आज रात का डिनर जो है वो काशा के बर्तन में दिया जाता है। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और ये है मेनू कार्ड, इसमें लिखा है शुभोदीप विथ प्याली, और बिल्कुल बंगला में है टोटल। यहाँ है आ रहा है पहले चिकन तंदूरी, जल्दी जल्दी खा लेती हूँ और फिर आप लोगों से मैं बातें करती हूँ। चारों तरफ शहनाई की शोर गूंज रही है और इसके साथ ही मैं जल्दी जल्दी अपना डिनर कंप्लीट करती हूँ। मैं आ गई हूँ रिजॉर्ट के बालकनी में और वहाँ से मैं ले रही हूँ नीचे का लाइटिंग का जो व्यूज़ है उसे। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए आज की वेडिंग रिज़ॉर्ट आप लोगों को कैसा लगा। और बिष्णुपुर आए तो इस जगह को मिस ना करें, ज़रूर आए यहाँ पे। तो फ्रेंड मेरी वीडियो को मैं करती हूँ यहीं पर एंड। आप लोग बहुत अच्छे से रहना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक देना, शेयर करना। बाय।